और सेकंड ये कि जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों ने अपना ट्रिप कैंसिल किया हुआ है, इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी ट्रिप कैंसिल किया, दैट्स व्हाई मैं यहाँ सोलो ट्रिप में आया हूँ। हाय गाइस, मैं हूं मुजम्मिल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं लद्दाखी व्लॉगर। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं सेंट्रल पटाया में और मैंने अपना हॉस्टल जो है चेकआउट कर लिया है और आज मैं नए हॉस्टल में जा रहा हूं। और अभी बच रहे हैं 1:06 हो गए हैं, नाश्ता कर लिया और यहां से मैं अपने दूसरे होटल के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे जाकर आपको मिलेंगे उसी हैप्पी हॉस्टल में। यहाँ पे लॉन्ड्री है, आप अपने कपड़े धोने के लिए दे सकते हो यहाँ पे। तो जनाब, हम पहुँचे हैं हैप्पी हॉस्टल, अपना हॉस्टल। आज के लिए मेरा हॉस्टल ये होगा। ये रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पे और ये रिसेप्शन है। हाय मैम, मुजम्मिल मुस्तफ़ा। मैंने यहाँ पे बुकिंग कर लिया था 280 बात में, जो करीब 650-700 तक होंगे। तो यहाँ पे एक डेस्कटॉप है इनका अपना, यहाँ पे है स्विमिंग पूल, बहुत ही बढ़िया है ये। तो अभी मैंने पेमेंट कर दिया है और मुझे 200 की डिपॉजिट के लिए एक्स्ट्रा देने होंगे। और ये है हमारा रिसेप्शनिस्ट, हैप्पी हॉस्टल। बहुत ही रिकमेंडेबल होटल है, एक बहुत सस्ते प्राइस में पटाया में। आप अगर आना चाहते हो हैप्पी हॉस्टल, आप booking.com से बुक कर सकते हो। कॉफ़ी फ्री, यू कैन डू एवरीथिंग, बट आफ्टर यू प्लीज वी हैव टू क्लीन इट ऑल डे। यू हैव कैंसिल आफ्टर यू सर। यस, क्लीन एंड टेक ऑन द शेल। स्विमिंग पूल फ्री, time for swim 9 until 7 p.m. but please shower before swimming. Okay. Okay, thank you so much. और ये हॉस्टल है बिल्कुल सेंट्रल पटाया में, आप इसे booking.com पे सर्च कर सकते हो, हैप्पी हॉस्टल है इसका नाम। और आप यहाँ बुकिंग कर सकते हो अगर आप बैंकॉक आ रहे हो और पर्टिकुलरली अगर पटाया आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं मार्केट में ही हूँ। बहुत आसान है अगर आपको
पटाया बैंकॉक आना है तो यहाँ पर्टिकुलरली पटाया में टूरिस्ट के लिए बहुत सारे कहते हैं कि स्कैम होते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई स्कैम वकैम होता है। यहाँ के लोग बिल्कुल फ्रेंडली है और टैक्सी टैक्सी कहेंगे तो आप उसको इग्नोर कीजिए, एक बार इग्नोर करेंगे तो वो आपसे और वापस पीछे नहीं आएंगे। फिलहाल मैं अभी पहुंचा हूं अपने पुराने हॉस्टल यूथ हॉस्टल में और यहां से साकिब भाई आ रहे हैं, हम उनसे भी मिलेंगे। और भाई व्लॉगिंग चल रही है। हाँ, तो अभी हम मिले हैं साकिब से, साकिब मिले हैं, साकिब कुछ बताएंगे अपने बारे में। यार मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं भी सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ, ये भी एक सोलो ट्रैवलर है और बहुत सारे कंट्रीज़ में घूमे हैं। हम कल रात को बात कर रहे थे 3-4 बजे तक, तो हमने प्लान बनाया कि आज हम कोरल आइलैंड जाएंगे। तो साकिब भाई कुछ सिनेमैटिक शॉट्स या टाइम लैप्स ले रहे हैं। वैसे सनसेट तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट सनसेट भी हो चुका है और साकिब भाई दोनों यहाँ पे है। और साकिब भाई क्या कहना चाहोगे जो ट्रैवलर्स अपने जो ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं उनके बारे में? यार देखो, ये मेरा भी ना पहला सोलो ट्रिप है, एक्सीडेंटली सोलो ट्रिप हो गया। बिल्कुल। सो पहले तो मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मेरा सोलो ट्रिप इतना अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल। फर्स्ट डे मेरा थोड़ा ओके था, एंड सेकंड डे यार देखो सोलो ट्रैवलिंग करोगे आप, नए लोगों से मिलोगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे। बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आने वाला है, सोलो ट्रिप पे आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड ये कि जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों ने अपना ट्रिप कैंसिल किया हुआ है, इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी ट्रिप कैंसिल किया, दैट्स व्हाई मैं यहाँ सोलो ट्रिप में आया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है माहौल, हाँ ठीक है आपको एयरपोर्ट में थोड़ा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे चाइनीज़ टूरिस्ट भी आते हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, बट बाकी सेफ है यार। ओके, हम लोग मास्क पहन के तो नहीं घूम रहे ना। बिल्कुल, नज़ारे देखो आप यहाँ का। हाँ, आप कोरल आइलैंड भी आ सकते हो और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत सुंदर है। आप यहाँ पर चिल कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, आप पर्सनल भी, आप अगर एक सोलो ट्रैवलर है तो अकेले भी आ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय। When I say